सब्सक्राइब कीजिए माय प्राइमरी सॉल्यूशन चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये मैसेज किया था और मेरी बहुत सारी वीडियो पर एक कमेंट आई थी कि भाई मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो दोस्तों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपका फ़ोन जब हैंग होता है तो आपकी कुछ गलतियों की वजह से आपका फ़ोन हैंग हो जाता है। दोस्तों, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आज इस वीडियो में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और आप आसानी से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आप कोई भी हैवी एप्लीकेशन को इंस्टॉल तो कर देते हैं, लेकिन दोस्तों उसको अनइंस्टॉल कैसे करना है ये आपको नहीं पता होता है। दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम आपकी क्या होती है कि आपका रैम कम होता है लेकिन आप बहुत सारी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों, तीसरी आपकी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका स्टोरेज मेमोरी तो बहुत ही कम है लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा अपनी मेमोरी को फुल कर देते हैं, गाना डाल देते हैं, वीडियो डाल देते हैं और पता नहीं क्या क्या जो आपके मन में आता है अपनी मेमोरी कार्ड में भर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फ़ोन 100% हैंग होगा और आपका फ़ोन बिल्कुल स्लो चलने लगेगा। तो दोस्तों, इसको फ्रेश रखने का बहुत ही आसान उपाय है। दोस्तों, आप किसी भी एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में तो उसको अनइंस्टॉल करना इतना आसान नहीं है जितना कि आप समझते हैं। दोस्तों, आप क्या करते हैं कि किसी भी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना होता है तो सीधे आप उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस अनइंस्टॉल के ऑप्शन पर जाते हैं और यहाँ पर आप ओके कर देते हैं और आपका एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाता है और आप समझते हैं कि मेरा एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो चुका है। लेकिन दोस्तों, यह आपकी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। अगर आप किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं यहाँ से तो आपको जाना चाहिए तुरंत फाइल मैनेजर में। और दोस्तों, फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फोल्डर दिखाई देते हैं। दोस्तों, जिस एप्लीकेशन को आपने अनइंस्टॉल किया है उसकी फोल्डर्स यहाँ पर बनी हुई होती है, उसको सबसे पहले डिलीट कीजिए और डिलीट करने के बाद जिस एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल करते हैं उसकी फोल्डर्स को आप चेक कीजिए कि उसका फोल्डर कहाँ कहाँ बना है आपके एंड्रॉयड मोबाइल में या आपके मेमोरी कार्ड में। जहाँ जहाँ फोल्डर्स बने हुए होते हैं वहाँ वहाँ जा करके उस फोल्डर्स को परमानेंटली डिलीट कर दीजिए। दोस्तों, इतना करने के बाद एक और आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। दोस्तों, आपका अगर एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें आपका रैम है 1GB, तो दोस्तों आप बहुत ही कम एप्लीकेशन का यूज कीजिए, हैवी एप्लीकेशन का यूज मत कीजिए। और दोस्तों, अगर आपका रैम ज़्यादा है और मेमोरी कम है तो दोस्तों आप अपने मेमोरी को हमेशा कम से कम 500 MB की स्पेस हमेशा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं करेगा और आपका फ़ोन कभी भी स्लो नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल माई प्राइमरी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में लिखा हुआ दिखाई देगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल माई प्राइमरी सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटा दिखाई देगा, उसको ही बजा दीजिएगा और उसको ऑन कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।